Hello friends, again welcome to my channel, and we will discuss today novelist Charles Dickens. दोस्तों चार्ल्स डिकन्स का असली नाम चार्ल्स जॉन हफाम डिकन्स था. उनका जन्म 7 फरवरी 1812 में इंग्लैंड में हैम्पशायर कंट्री में हुआ था. दोस्तों उनका जन्म बहुत ही साधारण फैमिली में हुआ था. उनके पिता मजदूरी करते थे और धीरे धीरे उनके पिता के सर पे बहुत सारा कर्जा चढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो कर्जा ना देने की वजह से उन्हें जेल हो जाती है. तो सारा घर का काम काज का खर्च डिकन्स के जिम्मे आ जाता है. इसी वजह से वो अपना स्कूल छोड़ देते हैं और घर की रोजी रोटी कमाने के लिए एक फैक्ट्री में मजदूरी करने लग जाते हैं. दोस्तों इतनी गरीबी और कम एजुकेशन होने के बावजूद भी चार्ल्स डिकन एक जर्नल एडिट करते हैं जो कि 20 साल तक चलता है. इसके अलावा वो 15 नॉवेल्स, 5 नोवेलास और 100 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश करवाते हैं और काफ़ी सारे नॉन फिक्शन आर्टिकल्स भी लिखते हैं. उनके सारे वर्क्स सीरियल वाइज वीकली और मंथली मैगजीन्स में पब्लिश होते थे और उसके बाद वो बुक फॉर्मेट में प्रिंट किए जाते थे. उनके कुछ फेमस वर्क्स इस प्रकार हैं दोस्तों. फर्स्ट द पिकविक पेपर्स 1836 to 1837, ओलिवर ट्विस्ट 1837 to 1839, निकोलस निकलबाई 1838 to 1839, अ क्रिसमस कैरल 1843, डेविड कॉपरफील्ड 1849 to 1850, ब्लीक हाउस 1852 to 1853, लिटिल डॉरिट 1855 to 1857, अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 एंड द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1860 to 1861. दोस्तों 58 ईयर्स की उम्र में 9 जून 1870 को इंग्लैंड के कैंट में उनकी डेथ हो गई थी और उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे जो कि इंग्लैंड में है और उन्हें उसे पोइट्स कॉर्नर भी कहा जाता है, वहां पे दफनाया गया था. दोस्तों वेस्टमिंस्टर एबे में और भी काफ़ी सारे फेमस राइटर्स को दफनाया गया है. गाइस माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस को शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी और क्या नहीं अच्छा लगा और आप अगले किस राइटर और किस वर्क के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं.